खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा वैसाज फैमिली में। और आज का व्लॉग मैं रेडी नहीं कर पाई क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए थे और मेरा मन भी नहीं था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ और ही शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्या करें, कुछ ऐसा था नहीं कि आपके साथ शेयर करूं, बट फिर मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ अपने रिंग्स का कलेक्शन शेयर करती हूं। तो मैं अभी आपको अपने रिंग्स दिखाऊंगी, गोल्ड की जितने भी है मेरे पास डिजाइन्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और आपको सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको अपने रिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो रिंग्स दिखाऊंगी जो मैं डेली यूज में पहनती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये राउंड शेप की रिंग है, ये देखिए इसमें पूरे में ये जर्कन के स्टोन लगे हुए हैं, बिल्कुल राउंड शेप की है ये। ये डेली वेयर में मैं पहनती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ। ये निशान भी बना हुआ है, ये देखिए, क्योंकि मैं इसको हमेशा पहन के रखती हूँ। ये देखिए, इसमें ये पूरे में जर्कन के स्टोन लगे हुए हैं, पीछे भी हैं और इस तरफ आगे भी हैं, तो बहुत अच्छी लगती है ये पहनी हुई। और सेकंड हमारी रिंग आती है, ये भी जर्कन के स्टोन की बनी हुई है, फ्लावर की डिजाइन इसमें है और ये भी बहुत ही प्यारी सी है, इसे मैं डेली यूज में वियर करती हूँ। और ये पहनी हुई बहुत ही अच्छी लगती है, गर्ल्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगे तो आप बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी रिंग है, एक ये सिंगल स्टोन की रिंग है, ये भी जर्कन की ही है और ये भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये थोड़ी लूज है, मतलब इस फिंगर में आती है ये, और मुझे डेली वेयर में थोड़ी कम पसंद है क्योंकि इसका ये स्टोन ऊपर है और अर्शु को चुभता है, तो मैं इसलिए इसको कम पहनती हूँ, बट रिंग बहुत सुंदर है ये। ये देखिए, इसमें ये एक बीच में सिंगल स्टोन लगा हुआ है और इधर भी छोटे छोटे तीन तीन जर्कन लगे हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा सा लुक है इसका और अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके बाद बारी आती है इस रिंग की, इसमें ये तीन स्टोन लगे हुए हैं क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के पास ऐसी सेम रिंग थी, तो मुझे उनकी रिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे भी ऐसी रिंग बनवानी है, तो इसीलिए मैंने बनवाई थी, बट लूज बना दी सुनार ने, तो ये मेरे किसी भी फिंगर में फिट नहीं होती है, इसलिए मैं इसको नहीं पहन पाती हूँ, बट अच्छी बहुत लगती है ये। और ये देखिए हमारा अंशु बीच बीच में किशिया कर रहा है ना बाबा, ये मेरे पास ही बैठा है। क्या हो गया लड्डू, क्या हो गया? तो ये रिंग मैंने बनवाई थी अपने लिए, उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने लिए बनवाई और हमारे पूरे मतलब आगुता परिवार ने ऐसे रिंग्स पहनी हुई है, जितनी भी लेडीज हैं और जितने भी बाइसा वगैरह है ना, सबने ऐसी रिंग बनवा ली क्योंकि सबको ये डिजाइन बहुत पसंद आई थी और अच्छी लगती है पहनी हुई। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये रिंग भी सबको मिलेगी, आपको सबके फिंगर में ऐसी रिंग मिलेगी, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद रिंग है, ये एक पन्ना की रिंग है, मुझे पंडित जी ने बोला था कि आप पन्ना पहनो, तो ये मेरी पन्ना की रिंग है, बट अभी इसका ये मैंने डेली यूज में पहनती हूँ, तो इसके ये ना यहाँ से ये गोल्ड गिरना स्टार्ट हो गया है चारों तरफ से, तो मैंने इसको पहनना बंद कर दिया है। मैं सोच रही हूँ इसको दोबारा बनवा लूँ, तो अभी तो नहीं बनवा रही, बट बनवाऊंगी मैं इसको दोबारा बनवाऊंगी क्योंकि इसका ये गोल्ड निकलना स्टार्ट हो गया है, हो सकता है कभी ये पन्ना भी निकल के गिर जाए। तो ये देखिए, ये भी अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके बाद ये है ये की रिंग है जिसमें कोई स्टोन नहीं है, ये खाली गोल्ड की है, ये देखिए इसका फ्लावर वाला डिजाइन है और डेली यूज के हिसाब से अच्छा रहता है, चुभता नहीं है और कंफर्टेबल है पहनने में। ये देखिए, तो मैं इसे भी कभी कभी डेली यूज में वेयर कर लेती हूँ। आ जाओ आप मेरे पास आ जाओ, और आपको वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि हमारा अर्शु अभी छोटा है, तो यू नो अकेला इतना टाइम रह नहीं सकता, तो हम इसके साथ ही वीडियो बना लेंगे और आपको अपनी रिंग्स दिखा देंगे इसी के साथ। तो ये थी मेरी डेली यूज की रिंग्स, बस इतनी ही थी डेली यूज की, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी राउंड शेप की जितनी भी रिंग है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी राउंड शेप की रिंग और इसमें ये पीछे एडजस्टेबल ये कुछ पिंस लगे हुए हैं जिससे हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, और इसमें ये चारों तरफ व्हाइट मोती लगे हुए हैं और बीच में व्हाइट स्टोन है, उसके बाद देखिए ग्रीन स्टोन है, बहुत ही प्यारी सी रिंग है ये। तो मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसे दिखती है। ये देखिए, ये राजपूती ज्वेलरी में ज्यादातर ऐसी ही रिंग चलती है, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेकंड राउंड शेप की रिंग, ये देखिए, ये एक और रिंग है, इसमें भी व्हाइट स्टोन है और एक ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है बीच में, और ये भी बहुत ही सुंदर है, इसमें व्हाइट मोती नहीं लगे हुए हैं,
बाकी अलग डिजाइन है इसका। ये देखिए, ये भी पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप सिंगल भी वेयर कर सकते हैं, सिंगल वेयर करने से ही इसका अलग अच्छे से लुक दिखाई देता है कि कैसी है। ये देखिए, अगर आप इसके साथ रिंग्स पहनेंगे ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसको सिंगल ही पहनना चाहिए हमें। अगर बड़ी रिंग होती है तो उसको सिंगल पहनना चाहिए। देखिए, और इसके बाद अगेन एक व्हाइट स्टोन की रिंग है मेरे पास, इसमें थोड़े मोती है, मतलब सॉरी स्टोन नहीं, मोती, व्हाइट बड़े मोती है, उसमें मोती छोटे थे, इसमें थोड़े बड़े मोती है। और इसमें ये जो स्टोन है ग्रीन कलर का, ये उभरा हुआ है, उसमें अंदर था, तो ये भी थोड़ा सेम साइज डिजाइन है इसका, बट बहुत सुंदर है ये भी। ये देखिए, इस टाइप की रिंग हम अकेले सिंगल पहन सकते हैं, इसके बाद कोई अलग रिंग्स की नीड नहीं होती, हमें नहीं पहननी चाहिए, बस एक काफी है। और इसके बाद एक ये मेरी कुंदन की रिंग है, कुंदन भी है और इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं, बट ये इतनी अच्छी नहीं बनाई है जैसे मैं चाह रही थी, वैसे उसने नहीं बनाई है, तो मैंने इसको शायद एक भी बार नहीं पहना है, क्योंकि ये मेरी पसंद की नहीं बनी जैसे मुझे बनवाना था, और तुड़वाना वापस सही नहीं है, तो मैंने इसको ठीक है छोड़ दिया जैसे है। पहनी हुई तो अच्छी लगती है बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कम पसंद है, बहुत हैवी भी है तो हाथ थोड़ा भारी होता है, इससे भारी भारी लगता है, मुझे भारी फील होता है, तो मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बट बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ ईयरिंग। ठीक है, कभी पहन लेंगे। तो ये चार रिंग थी मेरी राउंड शेप की, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो नॉर्मल राजपूती ड्रेसेस पे जो रिंग चलती है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये एक रिंग लेते हैं, ये मेरी आर्ड के साथ की रिंग है, मेरी आर्ड में और ईयर रिंग्स में कुछ ऐसा ही डिजाइन है, तो ये उसकी उसकी रिंग है उस सेट की, और ये मेरी इस फिंगर की रिंग है, और बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। मेरी आर्ड में भी कुछ ऐसा ट्राइंगल जैसा शेप है, और ये भी कुछ ट्राइंगल जैसी शेप में है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। और मेरी ज्वेलरी का जो स्टोन है ना, उसमें लाइट पिंक कलर है, ग्रीन कलर है और व्हाइट कलर है, तो इसमें इस मेरी सारी रिंग्स है ना जो ऐसी, उनमें भी ऐसे ही स्टोन लगे हुए हैं, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। ओके, इसके बाद बारी आती है एक और रिंग की। ये देखिए, इसका डिजाइन, इसमें फ्लावर वगैरह है, पत्तियां वगैरह है, थोड़ी सी अलग सी डिजाइन है इस रिंग की, और इसमें ये व्हाइट नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इनको, मोती लगे हुए हैं गोल्ड के, छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा लुक देती है ये भी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा डिजाइन है इसका भी। और इसके बाद बारी आती है ये एक मेरी बहुत ही प्यारी सी रिंग की, इसमें ये जो स्टोन लगे हुए ना, ये थोड़े बड़े लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका भी। ये मैं इस रिंग में पहनती, इस फिंगर में पहनती हूँ हमेशा, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ ये कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा बीच वाली फिंगर में पहनती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पहनी हुई, ये मेरी फेवरेट रिंग है, बहुत ही अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके बाद बारी आती है एक और फ्लावर डिजाइन की रिंग, ये इसमें ये पूरे एक फ्लावर बना हुआ है, बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है, उसके बाद में ये कुछ मेहंदी जैसा केरी जैसा डिजाइन दिया हुआ है इसका। ये रिंग बहुत ही प्यारी है, देखिए ये मेरी इस हैंड की रिंग है, मैं इसमें वेयर करती हूँ इसको हमेशा। और इसके बाद है एक ये व्हाइट स्टोन की रिंग, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी, बड़े वाले जो जीजा है ना मेरे, उन्होंने मुझे दिया था ये रिंग। ये अभी इसमें ये पिंक शेड आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने होली पे पहना हुआ था, तो इसमें कलर चला गया, और मैंने इसको बहुत बार वॉश भी कर लिया है, बट इसका कलर जाता ही नहीं है। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई। ये सारी राजपूती स्टाइल के रिंग्स हैं, जो राजपूती ज्वेलरी पे जो चलती हैं वो रिंग्स हैं ये। और इसके बाद ये एक और रिंग है, पत्ती के डिजाइन में है ये भी, और इसमें भी साइड में ये गोल्ड के जो छोटे छोटे से मोती से लगे हुए हैं, बीन्स टाइप। ये देखिए, ओके, और इसके बाद बारी आती है मोती की रिंग्स की। ये देखिए, ये मोती की रिंग्स है मेरे पास, इनमें मतलब मोती का डिजाइन लगा हुआ है साइड में, और बीच में स्टोन है, इसमें एक पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, तो ये भी मेरी फेवरेट रिंग है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा इसको पहनती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इस रिंग का, इसे भी मैं ज्यादातर पहन लेती हूँ। और इसके बाद एक और ये मोती की ही रिंग है, ये इतनी लंबी नहीं है, ये छोटे साइज में है, और बहुत ही प्यारी सी रिंग है, इसको आप डेली वेयर में भी पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा रिंग्स पहनना पसंद नहीं है। तो ये देखिए, इसको आप जैसे छोटे मोटे कोई फंक्शन हो उसमें पहन सकते हो।
और इसके बाद एक और रिंग है, इसका तो डिजाइन ही मुझे समझ नहीं आता, ये चौंच सी निकली हुई है, इतनी ज्यादा पसंद नहीं है ये रिंग मुझे, अच्छी नहीं लगती इसकी डिजाइन, बट अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो देख लो, ये पहन के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, अच्छा डिजाइन नहीं है ना इसका, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे इसका डिजाइन, तो इसीलिए मैं इसको पहनती नहीं हूँ। और इसके बाद बारी आती है एक और फ्लावर, फ्लावर जैसा ही बना हुआ है इसमें कुछ, और ये एक यहाँ पे केरी जैसा कुछ बना हुआ है, एक स्टोन निकल गया इसका, एक नहीं दो स्टोन निकल गए, तीन निकल गए क्योंकि इस रिंग को मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ, तो इसके तीन स्टोन निकले हुए हैं, वापस लगवाएंगे कभी, याद ही नहीं रहता एक तो, इसमें लूज है ये, इस वाले हैंड की रिंग है मेरे, ये देखिए इस फिंगर की है ये, और ये मेरी चोट लग गई थी उस दिन जीजा के यहाँ, भटूरे हमने तले थे ना, आपको याद होगा शायद, उस दिन जल गया था हाथ, और ये देखिए ये वाली रिंग है बहुत ही प्यारी सी। और इसके बाद ओ माय गॉड फंस गई, ओ शिट नीचे गिर गई, उसको हम बाद में उठाएंगे। और ये देखिए छोटू सी रिंग है, साइज दिखाऊं आपको इस रिंग का, देखिए परी को आ जाएगा थोड़े दिन बाद, और ये मेरी इस वाली फिंगर का रिंग है, ये देखिए मेरे फिंगर्स का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, रिंग्स मुझे बिल्कुल इतनी इतनी सी आती है, ये भी बहुत छोटी रिंग है, ये देखो आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटा साइज है इसका, और ये मेरी इस फिंगर की रिंग है, और ये देखिए इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक और ये छोटू सी रिंग है प्यारी सी, ये पिकॉक बना हुआ है इस पे, ये भी सुंदर सी है, ये भी इसकी नहीं है, ये तो किसी में भी पहन लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन से फिंगर की है, बट ये इसमें इसमें आ गई तो इसमें पहन लेंगे। और एक ये है हमारी राउंड शेप की रिंग, छोटी सी है वो, मतलब बड़ा वाला राउंड नहीं है, छोटा वाला राउंड है, और इसमें एक ये ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है, बाकी व्हाइट कलर के लगे हुए हैं, और ये भी किसी भी फिंगर में पहन लो, ये देखो। और ये है एक आदम के जमाने की आदम के जमाने की रिंग, इसमें ये रानी कलर का स्टोन लगा हुआ है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, अगर ये इसमें ग्रीन ना होता तो अच्छा लगता, इसमें ये रानी और व्हाइट होते तो बहुत अच्छे लगते, या फिर खाली ग्रीन और व्हाइट होते तो बहुत अच्छे लगते, बट इसमें ये ग्रीन स्टोन देके इसका लुक एकदम आदम के जमाने के जैसा हो गया है, तो ये रिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये देखिए। और इसके बाद एक और रिंग है, ये अच्छी है, इसमें ग्रीन है और व्हाइट है, ग्रीन व्हाइट और रानी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये पहले के लोग बनवाते थे, मतलब जो हमारी दादी सा वगैरह ना उनके पास थी ऐसी ज्वेलरी, तो ये देखिए इसका डिजाइन भी बहुत प्यारा सा डिजाइन है, ये देखिए इसका डिजाइन अच्छा है। और इसके बाद एक ये पिकॉक की रिंग है, शायद आपको दिखने में आर्टिफिशियल लगेगी, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल रिंग देख के फिर इसका डिजाइन बनवाया था, उस टाइम मुझे इतनी पसंद थी कि ये भाई भाई खतरनाक डिजाइन है इसकी, बट अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसको भी नहीं पहनती हूँ, इसमें ये मीना मीना है, मीना ही बोलते हैं शायद इसको, ये मीना है और व्हाइट कलर के स्टोन लगे हुए हैं, ये देखिए ये आर्टिफिशियल सी लगती है देखने में बिल्कुल, बट गोल्ड की है, पिकॉक बना हुआ है पिकॉक। और इसके बाद बारी आती है मेरी डायमंड रिंग्स की, ज्यादा नहीं है मेरे पास डायमंड की रिंग, क्योंकि राजपूती ज्वेलरी पे जब हम डायमंड रिंग पहनते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती है, मतलब ससुराल में तो मेरे ये बोलते हैं कि क्या पहने हैं बीननी चोखी को लाग रही, तो इसलिए मैं डायमंड्स की रिंग नहीं लेती हूँ, बस कभी एक दो ले रखी है जो मैं मतलब यहाँ पहन लेती हूँ, बट मुझे अच्छी लगती है डायमंड्स की रिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ये फर्स्ट डायमंड की रिंग है, इसमें ये स्टोन गिर गए हैं इसके, एक दो दो स्टोन निकल गए हैं इसके, बट ये डेली यूज में ठीक है, अब मैं डेली यूज में नहीं पहनती हूँ इसको, क्योंकि ये स्टोन निकल गया ना तो ये अब चुभने लग गई है, अर्शु को चुभ जाती है, इसलिए मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बाकी रिंग बहुत अच्छी है, ये मैंने दिल्ली से ली थी, डायमंड की जितने भी रिंग है मेरे पास वो मैंने दिल्ली से ही ली है, तो ये है एक डायमंड की रिंग, और ये है सेकेंड हमारी डायमंड की रिंग, ये देखिए इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बट पहनने में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी है, तो मैं इसीलिए इसको भी नहीं पहनती हूँ, अर्शु को चुभ जाती है ये, पता नहीं क्यों यहाँ से ना चुभने वाला है इसके, तो मैं इसको भी नहीं पहनती हूँ, देखिए पर डिजाइन बहुत प्यारा है इसका, बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। और एक है ये वन ऑफ माय फेवरेट रिंग, इसका डिजाइन इतना यूनिक है, इतना सुंदर डिजाइन है इसका, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये रिंग,
इसको पहन के दिखाती हूँ आपको। यार एक तो लूज है ये, मुझे पहननी इसमें होती, बट इस रिंग मतलब इस फिंगर के साइज की रिंग मुझे मिलती ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी रिंग आती है मुझे और ये इसमें आती है। मुझे पहनना इसमें था इसको, बट ये आई नहीं रही इसमें। देखो कितने लूज है, बहुत छोटा साइज है, मेरी रिंग्स बहुत छोटी छोटी बनानी पड़ती है, तो उसके पास था नहीं इसे। और बट ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने इसीलिए इसको ले लिया। ये बहुत प्यारी सी डिजाइन है। तो बस इतनी ही रिंग्स थी मेरे पास। तो कैसा लगा आपको मेरी रिंग्स का कलेक्शन, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। आपने एक दो डिमांड्स की है कि वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको बहुत जल्दी वो वीडियोस लाने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर किसी रिंग की डिजाइन आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। और कैसा लगा वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, रात को नहीं करेंगे आज, हम अभी वीडियो अपलोड कर देंगे तो गुड नाइट कैंसिल। ये देखो हमारे अर्शु ने भी रिंग पहन ली है। क्या हुआ अर्शु, ये देखो इसने पन्ना पहना है, अपने हिसाब की रिंग पहनी है एकदम छोटे छोटे हाथों में। हाँ देखो देखो, ये मेरी रिंग्स का कलेक्शन देखो अर्शु मम्मा दिखा ले देखो इसको ये मैं दिखा रही हूँ ना, तो ये भी दिखा रहा है आपको। हाँ देखो, अरे देखो ना, देखो मेरी भी पूरी फिट आई है बंदी करती बहन, बाद में दिखाती।